नमस्कार, मैं डॉक्टर अनु अग्रवाल हूँ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट और मेमोरी एंड कॉग्निटिव स्पेशलिस्ट हूँ। मैं कोकलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में मेमोरी क्लिनिक रन करती हूँ। इस महीने अल्जाइमर्स डिजीज एसोसिएशन और कोकलाबेन वर्ल्ड अल्जाइमर अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं। इस समय मैं आपसे अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। जैसे आप जानते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज एक ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इससे प्रभावित पेशेंट्स को मेमोरी प्रॉब्लम होता है और समय के साथ उनको डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, बात करना, बात समझना और बिहेवियर में भी तकलीफ होती है। उनको काम करने में और अपनी दिनचर्या करने में मदद लगती है फैमिली मेंबर्स की। ये बीमारी 65 साल के लोगों और उनसे बड़े लोगों उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। इंडिया में इस समय 40 लाख लोग अल्जाइमर्स डिजीज से जंग कर रहे हैं और WHO एस्टिमेट करता है कि 250 तक 120 लाख लोग इस देश में अल्जाइमर्स डिजीज से जूझेंगे। अर्ली डायग्नोसिस से हम लोग अल्जाइमर्स डिजीज के सिम्टम्स को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट और उनकी फैमिली की मदद कर सकते हैं कि वो कैसे इस बीमारी से लड़े। इस समय दुनिया भर में अल्जाइमर्स डिजीज के ट्रीटमेंट और उसको रोकने पर बहुत रिसर्च चालू है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने डॉक्टर को और हमें संपर्क करें इस बीमारी की फर्दर जानकारी के लिए। हम आपकी सहायता के लिए उत्सुक हैं। थैंक यू।